जी मेरे घराने के लिए दुआ करें, मेरा घराना बहुत ही परेशानी में और मुसीबत में है। मेरे शौहर खुदावंद के रास्ते से भटक गया, आप उनके लिए भी दुआ करें कि वो सीधे रास्ते पे आ जाए। क्यों नहीं बेटा, हम क्यों नहीं उसके लिए दुआ करेंगे? और आप सब जानते भी हैं कि ये क्रिसमस के दिन हैं, नज़दीक हैं, तो हम सब ने मसीह यीशु के इन खुशियों में शामिल होना है, और जो भटके हुए हैं उसी के लिए तो हमारा यीशु मसीह इस रूखे ज़मीन पर आने वाला है। तो क्यों ना हम मिलकर दुआ करेंगे। यहाँ पर भी मैं बेटा आपके लिए दुआ करता हूँ, और ज़रूर है कि मैं आपके घर पर भी आऊँगा, और मैं ईमान रखता हूँ कि आप खुदा से बरकत पाएंगे और देखेंगे कि खुदा के जलाल को कि आपका खावंद रिटर्न यीशु मसीह में कैसे उसे कबूल करता है। हालेलुया, आए अब दुआ करते हैं। हालेलुया, खुदा पाक खुदा, खुदावंद तेरी बेटी ने अपने मुंह के को खोलकर खुदा पाक खुदावंद तेरी हुजूरी में अपनी फरियाद रखी है खुदावंद, और मैं अपनी इस बेटी के साथ तेरी चौकी पर मुतफिक हूँ खुदा पाक खुदावंद, और दरख्वास्त करता हूँ खुदा पाक खुदावंद के अपनी बेटी को खुदा पाक खुदावंद जैसा इसने सोचा है, जो ये चाहती है कि इसका खामद खुदा पाक खुदावंद तमाम बुरी राहों को छोड़कर खुदा रब्बुल इज्जत तमाम बुरे कामों को छोड़कर रब्बुल इज्जत तुझे अपना मुनजी माने खुदा पाक खुदावंद, मिन्नत करता हूँ खुदा पाक खुदावंद तेरे पाक और पवित्र बेटी यीशु मसीह के नाम में कि खुदावंद उसे मुस्तकीम रूह अता कर खुदा पाक खुदावंद, वो रूह अता कर जो इसे सीधे रस्ते पर लाए, वो रूह अता कर रब्बुल इज्जत जो खुदा पाक खुदावंद इसे खुदावंद दुरुस्त सिमत दिखाए खुदा पाक खुदावंद, ताकि हमारे इस बेटी का दिल शाद हो खुदा पाक खुदावंद, क्योंकि ये रब्बुल इज्जत रब्बुल फाज यवा खुदा ये तेरे पास आई है, और तेरे पास आने वाले खुदा पाक खुदा कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते, और मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद तेरी कुदरत और तेरी रहमत पर खुदा पाक खुदावंद कि तू अपनी बेटी को खुदा पाक खुदावंद ये सारे काम जो इसके मुंह से बयान हुए हैं खुदावंद तू इसे खुदावंद इसके दिल को खुश करेगा खुदा पाक खुदावंद, और ईमान है खुदा पाक खुदावंद के ये तेरी गवाही बनेगी, और मैंने जो कुछ मांगा है तेरे मुकद्दस बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लिया, आमीन। खुदा बाप नीचे मुकद्दस के नाम में खुदावंद आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, और मैं घर में भी बेटा चेक कर लगाऊंगा ताकि हम सब मिलकर इस शुक्रगुजारी में शामिल होंगे यीशु मसीह के नाम में। घर देख लिया है, बहुत अच्छी लोकेशन पर है, और मैं आपको इसके बहुत अच्छे पैसे दिलवा दूंगा। जी बड़ी मेहरबानी। और जनाब मेहरबानी किस बात की, अब तो वो मेरा ही घर है, एक दो पार्टियां हैं मेरे हाथ में, मैं उनको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, हम इजाजत दें, चलो। तुम्हारी टेंशन तो दूर कर दी मैंने, लेकिन अब ये मेरी टेंशन है कि तुम्हारे घर को मैंने अपने नाम पर कैसे करना है। सर जी क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम चाय मंगवाओ। अच्छा मैं अभी मंगवाता हूँ।
होगा। मेरे डेरे तो आज तक कोई जीत के नहीं गया। चले कोई बात नहीं, देख लेंगे। जल्दी करो यार, मुझे घर से फोन आ रहा है। जल्दी कर। अरे जी लग, जवाना तो हार गया है। कोई बात नहीं, आप खेले। आज मैं हारने वाला नहीं हूँ। अगर जीत गया तो 50 लाख मेरा होगा। इतना कॉन्फिडेंस? इत्मीनान क्यों नहीं होगा, आज वक्त मेरा है। शुरू करें। ओ शिट्टी यार। सैम बाजी तेरे हथों निकल गई। हूं दस 50 लाख कदों देगा मैनू? दे दूंगा, मुझे एक हफ्ते का टाइम तो दो। देता टाइम तेन 8 दिन का। 8 दिन बाद मेरा 50 लाख ना मिला तो मेनू तू जानना है। समझ लग गई ना? क्या खबर लाए? जी बॉस, जिस तरह तुसी कहा सी ताडे कहण दे मुताबिक उस तरह ही हो गया। वेरी गुड। इससे आगे का काम भी बड़ी शियारी से करना होगा। ओके बॉस, जैसा आपका हुक्म। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हेलो सबा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने बाबा के लिए चाय बनानी थी, पत्ती खत्म हो गई थी। मैंने सोचा तुमसे ले आऊं और तुमसे मुलाकात भी हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेके आती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो, कभी इनकार नहीं की। इसमें इनकार की क्या बात है, आखिर दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं। तुम बैठो, मैं अभी लेके आता हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। घर तो आपने देख लिया है जी, और आपको पसंद भी आ गया है। और ऐसा करो कि कुछ पैसे एडवांस दे दो ताकि मैं जाकर पार्टी से फाइनल कर सकूं। 10 लाख से काम चल जाएगा। चलेगा क्यों नहीं, दौड़ेगा। ये 10 लाख का चले, ठीक है। कब्जा कब मिलाएंगे? मिल जाएगा, मिल जाएगा, कब्जा भी मिल जाएगा। तुम बाकी पैसों का जाके इंतजाम करो। चलो ठीक है बेटा, स्कूल जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा जल्दी। ठीक है, बाय पापा। ओके बाय। कर रहे हो? वेरी गुड। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं,
अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो 1 करोड़ रुपया लेके मेरे पास आ जाओ। क्या क्या कह रहे हो तुम? 1 करोड़? इतनी बड़ी रकम 1 करोड़ में कहां से लेकर आऊंगा? वेरी गुड, अगर इतनी बड़ी रकम नहीं ला सकते तो अपनी बेटी की लाश ले जाना। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना कहो, मुझे सोचने का मौका तो दो, प्लीज मुझे कुछ सोचने का मौका दो। वेरी गुड, सोच लो जितना सोचना है, मैं तुम्हें 1 घंटे के बाद फोन करूंगा। अभी भी सोचने का मौका चाहिए? कहाँ लेके जाना है इतना पैसा? 1 करोड़ हमारी बच्ची से ज्यादा? एक लगता है उन्हीं का फोन आया। हेलो, हाँ हाँ, मेरी बात सुने, मैं पहुंच जाऊंगा पैसे लेकर, लेकिन ये बताएं कि आना कहाँ है। हाँ मैं आता हूँ, लेकिन लेकिन प्लीज मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। सबा, बेटी का पता चल गया है, मैं एंजल को लेने जा रहा हूँ और तुम दुआ करो कि मैं सही सलामत उसे घर लेकर आऊँ। हाँ हाँ मैं दुआ करती हूँ, खुदा जरूर मौसा करेगा, हमारी बेटी सही सलामत घर आ जाएगी। मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ और अपनी बेटी को सही सलामत घर लेकर आऊंगा। कहाँ होगी मेरी बेटी, कहाँ चली गई? खुदावन कोई मौसा कर, मेरी बेटी सही सलामत घर आ जाए। जी बेटा, परेशान लग रही हो पुत्र आप। सलाम पास्टर। सलाम बेटा, खुदा पुत्र के बख्शे। पास्टर साहब, वो मेरी बेटी अगवा हो गई, उसके पापा उसे लेने गए हैं, तो आप दुआ करें मेरी बेटी से सलामत घर आ जाए। कब हुआ? मैं आप लोगों ने बताया नहीं, इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो गया। पास्टर साहब, वो आज स्कूल गई थी, वहाँ से उन्होंने दुआ कर लिया और 1 करोड़ रुपया मांगा, और हमें डर है कि वो पैसे लेके भी परेशान ना हो, मेरा पुत्र खुदा आपको बड़ी तरह की बेच बख्शे। आए हम दुआ करते हैं और हमारा ईमान है कि दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। खुदा के दूसरे पेपान खुदा से इस्लामा, इस घड़ी के लिए तेरी शुक्रगुजारी के साथ तेरे कदमों में झुकता हूँ खुदा पाक खुदावन, और इस बेटी की बेटी के लिए खुदा पाक खुदावन, जिसे खुदा पाक खुदावन कुछ लोगों ने खुदा पाक खुदावन उठा कर ले गए हैं, खुदा पाक खुदावन चाहता हूँ खुदा पाक खुदावन के उनकी अगलों और सोचों को खुदावन तब्दील करना। दे दूंगा तुम्हारे पैसे।
पता नहीं कब मिलेंगे पैसे। चक्कर लगा के आपके ऑफिस के मैं थक गया हूँ। हजार का वास्ता मेरे पैसे दे दे। आप नहीं जानते मेरे साथ क्या हो सकता है। और ये कैसे हो सकता है
कि हमारी बेटी को किसी की कैद में रखता, और उसी तरह उसने इसको रहाई बख्शी और हमारे खानदान को खुशी बख्शी। और मैं ये तहे दिल से वादा करता हूँ कि मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा और उसके नेक और पाक कामों पर चलकर अपनी जिंदगी बसर करूंगा। और आज जैसे मैंने पहले कहा कि आज फैसले का दिन है, मैं आज फैसला करता हूं कि सुबह क्रिसमस है और चर्च आकर तमाम लोगों के साथ, तमाम क्लीसिया के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करूंगा। और आज से, अभी से हमारी सारी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। सीने विच दिल नचया, दिल नचया, सीने विच दिल नचया।